बोलते हैं, साईं बोलते हैं। बच्चे तब तक प्रार्थना करते रहो जब तक तुम्हारी स्थिति में बदलाव नहीं आता। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है और चमत्कार किसी भी पल हो सकता है, इसलिए उम्मीद कभी ना छोड़ो। कोई भी बीमारी तुम्हारे घर में आ ही नहीं सकती, इसलिए उस बारे में चिंता करना बंद कर दो। अब तुम्हारी आर्थिक परेशानियां भी जो कुछ समय से चल रही हैं, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तुम्हें तुम्हारे मनपसंद नौकरी भी मिल जाएगी। अब जब तुम्हें नई नौकरी मिलेगी ना, तो एक छोटा सा हिस्सा अन्नदान के लिए ज़रूर रखना। हर महीने ज़रूरतमंदों को अन्नदान ज़रूर करना। हमेशा पैसा कमाना ही बड़ी बात नहीं होती, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तुम अपने हिस्से में दुआएं कमाओ। और ये तब संभव है जब तुम ज़रूरतमंदों की मदद करोगे। मैं हर पल तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे कहे रास्ते पर चलोगे भी। तुम मेरे खास बच्चों में से हो। खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। मेरा बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे साथ।